बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के करम और फजल से जी। तो आज मौसम बहुत अच्छा है और बहुत प्यारी धूप है। अब मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन एक वीक से काफ़ी धूप निकल रही है और सर्दी काफ़ी कम हो चुकी है। तो आज मैं वॉक पे जा रही हूँ और आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी अपनी आज की रूटीन। सबसे पहले तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद मैं निकल आई वॉक के लिए। तो वॉक करने के बाद फिर वापसी घर जाके आपको बताऊँगी कि आज मेरा क्या प्लान है और मैंने क्या करना है। तो आप भी मेरी इस वॉक और मेरी इस वीडियो को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का वेदर अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ लगी बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है ऑल पे, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बर वक्त मिल सके। तो आप मेरे वॉक के व्लॉग को इंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ वॉक से और अब मैं बना रही हूँ शामी कबाब। आपको जैसे पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ मैंने गोश्त लिया था और उसमें मैंने चने की दाल ऐड की, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, दो मीडियम साइज़ के आलू, एक मीडियम साइज़ का प्याज, दो तीन जवे लहसुन के ऐड किए, और सारे साबुत मसाले जो है वो मैंने डाल के इसको मैंने रख दिया गलने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें गल चुकी हैं और मैंने पानी को ड्राई कर लिया है। अब जैसे ये ठंडा होगा तो मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। एक छोटे साइज़ का टमाटर भी ऐड किया था और साथ मैंने एक टीस्पून अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। तो अब यहाँ पे मैं इसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर का हलवा। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ। और वैसे तो ये सर्दियों की सौगात है, लेकिन यहाँ पर मौसम अभी ठंडा ही है, गर्मी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज गाजर का हलवा बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं, उनको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया और उसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया है और तीन चार सब्ज़ इलायची ऐड कर दिए। अब इसको मैं मिक्स करके और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। कबाब का मसाला भी चॉप हो चुका है। चॉप करते वक्त मैंने इसमें हरी मिर्चें और सब धनिया भी ऐड कर दिया था। और अब हम कबाब बनाते हैं जी। तो कबाब बन चुके हैं, अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करूंगी और उसके बाद जैसे ही थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो इनको मैं ज़िप लॉक बैग जो होते हैं एयर टाइट, उनमें डाल के और इनको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। और फिर मेरा एक माह रमज़ान का बहुत अच्छा गुजर जाएगा। जब दिल किया कबाब निकाले और एग उसके ऊपर लगाया और उसको फ्राई कर लिया, तो रमज़ान में फिर बहुत आसानी रहती है ऐसी चीज़ें बनी हों। तो इसके साथ साथ गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है। तो
तो आप देख सकते हैं मिल्क ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी हो आप वो डालें, उससे तो हलवा बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। तो मेरे पास तो यहाँ पे देसी घी नहीं था, इसलिए मैंने ऑयल के साथ बटर को ऐड करके वो डाल दिया। अब इसको भून लेंगे और भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। जी तो शुगर मैं हस्बे जायका अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही हलवा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही। मेरे पास 1 किलो गाजरें थी तो उस हिसाब से मैंने 1 ग्लास शुगर का ऐड किया है। तो बस जी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के बाद हलवा भी रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो हलवा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना है। और थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसको। इसके ऊपर मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में खूब इबादत कीजिए और खूब दुआएं कीजिए, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और एडवांस में रमज़ान मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।